तीन तरीके से हम अपने गुलदावरी के प्लांट को बचा के रख सकते हैं अगले साल के लिए। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। क्रिसेंथेमम के फ्लावर खिले हुए लगभग 2 महीने तक हमारे गार्डन में रहते हैं और हमारे गार्डन की जो है खूबसूरती बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फ्लावर इनके जो मुरझाने लग जाते हैं और फाइनली जो हमारे गार्डन से है ये खत्म हो जाते हैं। तो अगले साल हम फिर से ट्राई करते हैं, नए प्लांट बनाते हैं और फिर इनसे जो है फ्लावरिंग लेते हैं। तो ये साइकिल तो चलता रहता है सालों साल, इसीलिए हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल फिर से ये फूल जो है खिल जाएंगे। जैसे इनके फ्लावर जो है हमारे गार्डन में खिलते हैं तो एक अच्छी सी जो है गुड एनर्जी हमें फील होता है और जो मधुमक्खियां होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, वो अट्रैक्ट होके हमारे गार्डन में चारों तरफ मंडराने लगती हैं फूलों के इर्द गिर्द। लेकिन जब वही फ्लावर खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो हमें देख के एक निगेटिविटी सी फील होता है। खैर ये तो कुदरती तौर पे होता रहता है, यही साइकिल जो है चलता रहता है हमारे प्लांट के साथ, इंसानों के साथ, जो भी जीव जंतु हैं उनके साथ। तो ये तो नेचर ने बनाया और नेचर में ही विलीन हो जाते हैं, तो हमें इतना निराश नहीं होना चाहिए। तो बस हमारा जो अपना कर्तव्य है वो करते रहना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारे फ्लावर है, हमारे जो गुलदावरी के बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर खिलते हैं, इन प्लांट को जो है हम अगले साल के लिए कैसे बचाएं, ताकि ये जो अगले साल जो है आने वाला है, हम इनमें जो है इनसे बहुत सारे जो प्लांट बना के अपने गार्डन में फिर से इनको जो है सजा सकते हैं। तो आज उसी बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमने काम करना है, जितने भी फ्लावर जो है मुरझा गए हैं उनको हमने काट के हटा देना है। तो यहाँ पे जो मेरे एक ही गमले में ना 2 प्लांट लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो एक तो भी अच्छे तरीके से जो है मुरझाए नहीं है, फिर भी मुझे काटना पड़ रहा है क्योंकि ये जो दूसरा है बिल्कुल ही मुरझा गया है और मुझे गमला भी चाहिए, तो इसलिए मैं इनको थोड़ी सी जल्दी काट रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इनको फेंकूंगी नहीं, यही मैं अंदर ले जाके अपने डेकोर कर सकती हूँ। तो ये मैंने काट लिए और बाकी जो येलो वाले जो फूल है इनको भी काटना है। तो काटना ऐसे है कि नीचे से हमने 2 इंच तक एरिया स्टेम जो है इनके जो छोड़ के उसके बाद ऊपर से ना सारे प्रून कर लेना है इनको। और जितने भी सपोर्ट के लिए हमने जो स्टिक वगैरह लगाए हैं, इनमें जो है रोप वगैरह बांधे थे, सबको हमने निकाल लेना है। तो प्लांट को जो है अच्छे तरीके से जो है क्लीनिंग कर लेनी है इनकी। और ये जो हम काट रहे हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगी कि इनके साथ हमने क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली में जो है मैंने कट कर लिया है नीचे से जो 2 इंच का जो एरिया छोड़ के, और बाकी जितने भी हैं मैंने सबको जो है प्रून कर लिया है अच्छे तरीके से, और जितनी भी जो सूखी पत्तियां वगैरह है उन सबको जो है हमने रिमूव कर लेना है, ताकि जो प्लांट हो अच्छे तरीके से जो क्लीन हो, जो अच्छी अच्छी पत्तियां हैं वही दिखे प्लांट में बस। तो जो नंबर 1 तरीका है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको गमला नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि इसी गमले में जो है हम प्लांट को रहने दें, तो हमने जो करना है इनमें जो है अच्छे तरीके से जो गुड़ाई कर लेना है, और 8 इंच का गमला है तो उनमें जो है 1 से 1.5 मुट्ठी जो है हमने खाद दे देना है। कोई भी जो है खाद है जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, उनको दे देना है। और उसके बाद जो है प्लांट में अच्छे तरीके से आप चाहे हल्दी ले लीजिए या फिर जो कोई भी फंजीसाइड हो वो ले लीजिए, या फिर आप जो राख होती है वो भी ले सकते हैं, उनको लेके जो है प्लांट में छिड़काव कर देना है। एक तो ये तरीका हो गया, और इनको पूरे दिन की जो धूप में उनमें रखना है, जब तक कि तेज जो जब धूप नहीं आती निकलती है तब तक। प्रोसेस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, इसका जो है डिटेल में ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके देख लीजिएगा डिटेल में वीडियो। और जो दूसरा तरीका है वो है कि मान लीजिए हमें गमला चाहिए, गमले को खाली करना है, तो हम सिंपल करेंगे, गमले से जो है प्लांट की जो रूट बॉल है उनको हम निकाल लेंगे, और किसी भी आपके पास अगर नीचे जमीन है तो आप उनमें लगा लीजिए, या फिर कोई भी जो है गमला है आप उनमें लगा लीजिए, या फिर आप गमला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल ग्रो बैग का इस्तेमाल कीजिए। बट ये ध्यान दीजिएगा कि छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने जो इनके प्लांट को है इधर से उधर करना होता है। तो गमले से रूट बॉल निकालते समय हमें ध्यान देना पड़ता है, बड़े सावधानी से हमें निकालना चाहिए।
और देखिए फाइनली मुझे बहुत टाइम लग गया इनको निकालने में, तो ये फाइनली गमले से अलग हो गए हैं। और एक ही जो है गमले में मेरे दो कलर लगे हुए थे, तो दोनों को मैं अलग अलग से लगाऊंगी ताकि मुझे इन फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये देखिए हमारे जो शॉपिंग वाले जो लिफाफे होते हैं उनका ही, और इनमें जो है मैंने 2 लेयर कर लिए हैं और ये छोटा सा भी है। तो अगर हमें अपने गमले को इधर से उधर शिफ्ट भी करना हो तो प्लांट को आराम से जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं। और इनमें जो है ड्रेनेज होल होना बहुत ही जरूरी है, तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है कोई भी प्लांट लगाते टाइम। तो आप ऐसे ही बिना गमले के जो है अपने प्लांट को जो है बड़े आसानी से जो है सेव करके अगले साल के लिए बचा सकते हैं। तो अगर आपके पास गमले हैं तो आप गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जुगाड़ू तरीका है, इससे भी आपका प्लांट जो है बचाया जा सकता है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। या फिर अगर आप पॉली बैग में नहीं करना चाहते हैं तो जो डब्बे से होते हैं किचन से जो हमारे निकलते हैं उनमें भी हम जो है अपने प्लांट को जो है बचा के रख सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा प्लांट है, दूसरा ग्रो बैग है, इनमें भी देखिए मैंने 2 लेयर कर रही हूँ। वैसे हम 1 लेयर में भी लगा सकते हैं बट 2 लेयर में कर दे रही हूँ ताकि जो उठाते वक्त जो है थोड़ी सी जो है इनमें जो अगर ये हैवी होगा तो ये फटे ना, इसलिए मैं इनमें जो है 2 लेयर जो है दे रही हूँ। तो ये करने के बाद हमने जो है इनमें ड्रेनेज होल को कवर करना है, नीचे थोड़ा सा कुछ हैवी वेट दे देंगे ताकि जो लिफाफे हैं वो सेट हो जाएंगे। और उसके बाद मिट्टी डालना है और जो हमारे प्लांट्स हैं जो उनको हमने निकाला है गमले से बाहर उनको हम इनमें लगा देंगे, और उसके बाद जो है हम इनमें पानी दे देंगे। तो पॉटिंग मिक्स आप ले लीजिएगा, सिंपल मिट्टी मत डालिएगा। तो इनमें जो सॉइल मिक्स की बात करूँ तो एक एक पार्ट जो है इनमें लिया है, जैसे कंपोस्ट हो गया, सैंड हो गया और मिट्टी हो गया, तो एक एक पार्ट है। तो फाइनली देखिए दोनों मेरे प्लांट जो है शिफ्ट हो गए, बट यहाँ पे देखिए जो ब्लैक पॉली बैग में है इनमें जो कोई भी बेबी शकर्स वगैरह जो है प्लांट नहीं निकले हैं। तो अगर इस स्टेज में आपका प्लांट हो मदर प्लांट तो उनको शिफ्ट मत कीजिएगा अगर आप जो है गार्डनिंग में अभी नए हैं तो। और ये देखिए दूसरे जो प्लांट में है काफी सारे जो है इनके शकर्स वगैरह जो है बेबी प्लांट है वो निकले हुए हैं। और जो तीसरा तरीका है प्लांट को बचाने के लिए वो है कि हम प्लांट में से ही बहुत सारे जो है कटिंग बना लेंगे ताकि हम अगले साल के लिए इनको बचा के रख सकते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे ये जैसे मैंने काट के निकाला था, तो मैंने बोला था ना कि हम इनमें बाद में काम करेंगे, तो हमने इनको फेंकना नहीं है क्योंकि ये भी काफी बड़े आसानी से जो है लग जाता है, 15 से 20 दिन में जो है इनके रूट वगैरह निकल आती है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से जो है पत्तियां रिमूव कर लेनी है और इन्हीं में जो है इन्हीं के कलर है तो इनमें ही मैं लगा दूंगी। आप चाहे तो छोटे छोटे से डब्बे में लगा सकते हैं या फिर अलग से गमले में भी लगा सकते हैं, तो ये बड़े आसानी से लग जाएंगे। 20 दिन में इनकी जो है रूट वगैरह अच्छे से डेवलप हो जाती है। और जो दूसरा है इनमें जब न्यू बेबी जो निकलते हैं तो ये देखिए ये तो जितने भी हैं मैं इनको फेंकूंगी नहीं, इनको सबको मैं इकट्ठा करके लगा दूंगी। और बाकी जो बच जाएगा ये स्टेम वगैरह तो फ्लावर जो फ्लावर में देखिए फ्लावर में कोई भी फंगल वगैरह का इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हम डाल देंगे इनको कंपोस्ट बिन में, बहुत ही अच्छा जो है ये खाद बन के आएगा और हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से जो है पोषक तत्व मिलेंगे। तो हम इनको फेंकेंगे नहीं, इनको इनसे जो है कंपोस्ट जो है तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटे से डब्बे मैंने तैयार किए हैं और इनमें जितने भी मैंने कटिंग निकाले हैं इनके तो उन सबको लगा दूंगी और मैं इकट्ठे लगाऊंगी। और ये फरवरी में ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको इंडिविजुअल करके अलग अलग से पॉट में छोटे छोटे नर्सरी जो पॉट होते हैं उनमें मैं इनको शिफ्ट कर लूंगी। तो इस टाइम पे भी जो है गुलदावरी की कटिंग जो है आराम से जो है इजिली ये लग जाती है और आराम से जो है इनकी 10 से 15 दिन में जो है इनके रूट वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो उस समय ध्यान दीजिएगा पानी ज्यादा मत दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे दूसरे फ्लावर थे जिनके जो स्टेम थे उनकी सबको मैंने उनके फ्लावर कट करके जो है इनकी कटिंग इन्हीं में ही लगा दी है और इनमें भी 2-3 कटिंग मैंने लगाई हुई है, तो सब में मैंने पानी दे दिया। और पानी देने के बाद जो हमने लास्ट में जो है सबसे काम जो है मेन जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि हमने प्लांट को जो है कीड़े मकोड़ों से जो कीट पतंगे जो होती हैं जितने भी उनसे जो हमने बचाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आप सिंपल सी कोई भी फंजीसाइड ले लीजिए या फिर आपके पास टर्मरिक है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उनका इस्तेमाल कीजिए या फिर जैसे राख है उनका इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पर राख ले रही हूँ, उसके पहले आपने देखा कि मैंने जो पत्तियों को ही नहला के इनको पानी दे दिया, तो ये आराम से जो है इनमें जो पत्तियों में नहीं चिपक जाएंगी, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है इनमें
चारों तरफ फैला दीजिएगा, बिल्कुल ज्यादा मत फैलाइएगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको फैलाइएगा ताकि जो है कीट पतंगे जो है इनमें अटैक ना करें। और बस ये कटिंग लगाने के बाद जो है कटिंग जो हमने लगाई है ये इनको हमने वहां पे रखना है जहां पे आप मान लीजिए आपके बड़े से प्लांट है उनके गमले के नीचे रख दीजिएगा, लग जाएंगे। और इनको एग्जैक्टली ऐसे आप खुले में भी रख सकते हैं। तो बस हमने ये तीन काम करने हैं, हमारा जो गुलदाउदी का प्लांट है अगले साल के लिए बहुत ही आसानी से जो है बच सकता है। और ये देखिए जो कटिंग मेरे जो फूल जो है मुरझाए नहीं थे।